हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे मुगलई कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आते हैं। तो यहाँ मैंने इसके लिए कीमा लिया है, एकदम फाइन कीमा, आधा किलो। थोड़े से जो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो यहाँ मैंने बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिया है काजू पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून फुल लिया है लाल मिर्ची पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने नमक। तो चम्मच का साइज़ यही है। मैं आपको चम्मच का साइज़ इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मसालों में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो सबसे पहले हम कोफ्ते ही बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हरा मसाला, तो फाइन चॉप कर रखी है मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून है पुदीना फाइन चॉप, 1 टेबल स्पून ही है हरा धनिया, और 3 से 4 फाइन चॉप्ड है हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हम कोफ्ते ही बनाएंगे, तो सारे मसाले हम कीमे के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बेसन को हल्का सा रोस्ट करा था 1 मिनट के लिए, खुशबू आने तक सारे मसाले हम इसी के अंदर कीमे में ऐड कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनकर आते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। यहीं पर हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और यहीं पे इसमें हम हरा मसाला ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हम। क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कई बार लोग कहते हैं कि कोफ्ते जो है उनके टूट जाते हैं, तो कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा अगर पानी होगा तो कोफ्ते टूट जाएंगे, और बहुत कम पानी होगा तो कोफ्ते बहुत हार्ड बनेंगे। तो कीमा जो है सही होना चाहिए, जिससे कि ना भी कोफ्ते हार्ड हों ना टूटे। तो हम सारी बॉल बना के रेडी कर लेते हैं। कोफ्ते बन के हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। अब मसाले की तरफ चलते हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 मैंने टमाटर की प्यूरी बना रखी है मीडियम साइज के टमाटर की, 1 टेबल स्पून लेंगे हम इसमें नारियल पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 200 ग्राम दही है और 200 ग्राम ही मलाई है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच डालूंगी मैं इसके अंदर जायफल पाउडर, और 1 पिंच इसके अंदर डालूंगी जावित्री पाउडर। जो मसाला हमें पीसना है, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको फ्राई कर रखा है गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन, डार्क नहीं होना चाहिए। 2 टेबल स्पून है पुदीना, 2 टेबल स्पून है हरा धनिया, 10 होंगे काजू, और 5 है हरी मिर्चें। तो इन दोनों का हमें पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो साबुत गर्म मसाला लेंगे, तो 6 ली है मैंने लौंगे, 12 होंगे काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची हैं, 1/2 टीस्पून जीरा है, 5 हरी इलायची हैं, स्मॉल 2 तेज़पत्ते के पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। पॉट में हम डाल देंगे दही, दही भी हम इसी के साथ ही पीस लेंगे, सॉरी पेस्ट बना लेंगे। और इसी में हम डाल देंगे प्याज और ये मसाला, इसका एकदम हमें फाइन पेस्ट बनाना है। यहाँ मैंने 4 डिश के चम्मच ऑयल लिया है, और इसी में मैंने अभी प्याज फ्राई करके बाहर निकाली थी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अभी पेस्ट बनाया है। मैंने पॉट को भी क्लीन करके इसमें से पानी डाल के उसे क्लीन कर लिया था। इसी में हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी और जो ये मसाले हमने लिए हैं, फ्राई करेंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला
भुन गया है तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ बाउल पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते। जब हम कोफ्ते डालेंगे तो इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम से लो पे रखेंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद इसको हमें कवर कर देना है और मीडियम से लो फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद इन्हें हम हल्का सा हिला देते हैं। अगर आपको बीच में इन्हें लगे कि मसाला नीचे से लग रहा है या कुछ हो तो आप सिर्फ कढ़ाई पकड़कर इसको इस तरीके से हिला दें। अभी यहाँ पर इसे हम कम से कम मीडियम फ्लेम कर देंगे और बीच में इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और इसे 15 मिनट हम इसे और पकाएंगे। यहाँ हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट बीच में ही और नारियल पाउडर। मिक्स करेंगे और ढककर इसे अभी पकने देंगे। मसाला भुनने पर आता जा रहा है तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच जायफल पाउडर, 1 पिंच ही जावित्री पाउडर और साथ ही में ग्रीन फ्रेश मलाई हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ बाउल के करीब। और इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो यहाँ पर हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी इसकी थोड़ी थिक हो तो अच्छी लगती है। और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी। कवर करके इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये मुगलई कोफ्ते बनके रेडी है। आप इसे प्लेन नान के साथ या प्लेन रोटी के साथ खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।